बिल्कुल भाई, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और फैला दो भाई भाई की वीडियोस, ठीक है भाई। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज ये सीन कुछ ऐसा, तो आज आया मैं भाई एलिस यादव आए हैं जोधपुर। मतलब कल रात को मैंने उनकी स्टोरी देखी थी Azzu 0008 की। वह जोधपुर आए हैं, पता नहीं किधर है, कहाँ रुके हैं, कुछ पता नहीं है। मिल सके तो मिल लेंगे उनसे, नहीं तो मेरा बैड लग नहीं मिल पाए। तो इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं, तो चलते हैं बाहर, मिलते हैं आपसे। तो भाई जब मैं बाहर आ गया हूँ यार, घर पे बैठा मन नहीं लग रहा था, चाय वाय पीने चलते हैं। दोस्त को बुलाया है, केक उसका नाम किसने कहा था, उसको बुलाया है, तो अशोक उद्यान को, तो चाय पीने जाता हूँ। आज गाइस स्कूटी लेके ही निकले हैं, आज स्कूटी पे ही चलते हैं। तो यार गाइस कैसे कैसे लोग हैं, मेरे को यहाँ बुला गया, बोला मैं काम में फिर ही नहीं हूँ, आया ही नहीं, मेरे को यहाँ बुला के बैठा दिया। छोड़ नहीं आया तो क्या करना, अपन अपने चाय पी लेते हैं, थोड़ा अंदर अशोक उद्यान के अंदर घूम के आएंगे। गाइस अभी चाय पी लेते हैं, फिर चलते हैं अंदर अशोक उद्यान में बैठते हैं। फिर आप, मैं तो पता आज सुबह से सोच रहा हूँ, मैंने जब से अज्जू भाई की स्टोरी देखी ना जोधपुर वाली, मैं सब से सोच रहा हूँ यार मिलना है इनसे, मिलना है। अब कैसे मिलूँ, कोई आगे स्टोरी ही नहीं डाल रही है, तो पता नहीं, मेरा मन कुछ कह रहा है कि यार देखो जोधपुर में एक ही जगह है, अंदर चल के बात करते, सारी बात इधर नहीं करूँगा। तो गाइस चाय अभी चाय पी के अब अंदर चलते हैं, अंदर अलाउ नहीं है चाय, खाना पीना मतलब अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। तो चाय पी के अंदर चलते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। अशोक उद्यान के अंदर आ चुके हैं, ये यहाँ पे काम चल रहा है, पता नहीं खुदा ही चल रही है। अशोक उद्यान में बहुत पहले आया करते थे, सबसे पहले तो मम्मी पापा के साथ आते थे, फिर अब जब से बड़े हैं खुद आते हैं। मेरा जो मैन चल रहा है उसकी वीडियो शूट करने आते थे, एक कैमरा लेके आते थे, तीन जन आते थे, और कैमरा भी चलता नहीं था, दो बार तो कैमरा खराब कर चुके थे। मैन तो एलिस भाई से मिलना है, वो आए हुए राजस्थान, राजस्थान में भी जोधपुर घूमना है वो। आज मेरा मन पता नहीं क्या हो रहा है, देखिए अभी सुबह की 11 बजी है, तो कोई आज मेरा मन पता नहीं क्या कह रहा है कि एक बार जोधपुर की सड़कों पे घूमते हैं। यहाँ सबसे पहले तो यहाँ पे मेहरानगढ़ है, मेहरानगढ़ चलते हैं, क्योंकि देखो कोई भी टूरिस्ट आएगा सबसे पहले यहाँ का मेन तो मेहरानगढ़ ही, वहीं घूमेगा। तो पहले मेहरानगढ़ चलते हैं, देखते वहाँ मिले तो ठीक है, नहीं तो उसके आगे जसवंतड़ा चल जाएंगे, नहीं तो उमेद पैलेस है वहाँ पर भी घूमते हैं। तीनों जगह घूमूंगा, अगर तीनों जगह में से कहीं एक मिले तो आपसे मिलवाऊंगा, कहीं नहीं मिले अगर मेरा पोपट हो गया तो मैं किसी से मतलब मैं व्लॉग बनाऊंगा ही नहीं। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ मेहरानगढ़ फोर्ट, उधर जाके देखते हैं, अगर उनकी दोनों लेजेंडर मेरे को दिख गई तो सीधा वहीं, अगर एलिस भाई मिल गए तो आपसे मिलाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगा वहाँ पे, वापस आके अगले दिन की कर लूँगा। तो गाइज आज व्लॉगिंग करने का मोटिव यही था, एलिस भाई से मिलना, अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई तो मैं मिल लूँगा। तो गाइज चलते हैं बाहर, अब निकलते हैं मेहरानगढ़ के लिए, उमेद पैलेस और जसवंतड़ा तीनों के लिए, जहाँ मिलते हैं मिलेंगे, नहीं मिले तो घर आके सो जाएंगे बिस्तरों के अंदर। ओके Few moments later. तो गाइस मैं मेहरानगढ़ पहुंच गया हूं, तो यहां पे मेरे को एलिस यादव मिल चुके हैं, मैं आपको अभी मिलाता हूं। तो गाइस अभी मैं एलिस यादव भैया से मिल चुके हैं, ये रहे भैया, कुछ बोल सकते हैं? बिल्कुल भाई, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और फैला दो भाई भाई की वीडियोस, ठीक है भाई? भाई की तरह कभी भैया के साथ भी हम वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल भी आप क्या कहना चाहते हैं? जोधपुर में एक ही जगह है, मैं ना यहीं आओगे इसलिए मैं यहाँ आया। और अर्चित भैया, तो आप बता दीजिए, ये अर्चित भैया वीडियो में देखा ही होगा अपने भैया के, और ये लक्ष्य भैया फोटो क्लिक कर रहे हैं। तो गाइस मैं वेट कर रहा था इनका, ये मिल चुके हैं, कोई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भैया। हम मैं स्वागत कर लेता, मैं कल रात से वेट कर रहा था आपकी स्टोरी देखिए, आप जोधपुर आ गए। हाँ भाई पानी है, ओके एलिस भैया मिलते हैं फिर। ओके भाई सी यू, ठीक है, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। ओके बाद में, तो अब आप जा सकते हो, तो जसवंतड़ा चले जाना, और एक ये उमेद पैलेस भी हमारे इधर। हाँ गाइस देखा, हम एलिस यादव वो पीछे खड़े हैं, तो अभी ये मेहरानगढ़ फोर्ट घूमेंगे, ये इन दोनों की फॉर्चुनर ज़्यादा फेमस हुई थी, आपने देखा होगा, तो मिलेंगे बहुत जल्द, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। तो गाइस मैं मिल चुका हूँ एलिस यादव से, भाई साहब मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत मस्त इंसान है। अज्जू भाई से मिल लिया, लक्ष्य भाई से मिल लिया, अर्चित भाई से मिल लिया, सबसे मिल लिया। एक्चुअली क्या, मेरे को पता नहीं था यहाँ आएंगे, मैं तो एक अंदाजा लगा कि इनकी मैंने स्टोरी देखी थी, मैंने सुबह से सोचा था मिलना है मैं जोधपुर का, तो मैं सीधा आ गया मेहरानगढ़ में 12 बजे। मैं सही बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, मैं अंदाजा लगा के आया था, तो हम यहाँ आके खड़े हो गए, मैं यहाँ के खड़ा हो गया 2 मिनट खड़ा, जैसे ही 2 फॉर्चूनर आई मेरे को ध्यान नहीं गया, फिर देखो एलिस भाई और एकदम मैं मिल के आया, तो भाई साहब बहुत अच्छा लगा, तो खुशी में देख नहीं सकते, मतलब अंदर ही खुशी खुश हो रहा हूँ, तो क्या बताऊँ आपको, तो यार बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। तो मैं
मैं खास इनसे मिलने आया था, तो मैं आके मिल चुका हूँ इनसे, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना, सो ही सब्सक्राइब नहीं हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय बाय।